नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाइडर लाइव। मैं हूं आपके साथ धीरेंद्र कुमार। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को अधिकारियों का तबादला करने का अधिकार दिया है, तब से अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शराब घोटाले के जिस अधिकारी जाँच कर रहे थे, उनको भी सरकार ने हटा दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, पहले आप वो सुनिए। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है, और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, और देखिए वाईजे राजशेखर आईएएस 2010 बैच के थे, जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक एनजीओ के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो आईएएस 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी आईएएस ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी आईएएस ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक आईएएस 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं, वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे, उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को अधिकारियों का तबादला करने का अधिकार दिया है, तब से वो अधिकारियों को परेशान कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नोटबंदी पर भी कहा है कि नोटबंदी जिस तरीके से किया गया है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सरकार से लेना देना नहीं है, वो ऑटोनोमस बॉडी है और समय समय पर इस तरह के फैसला लेते रहती है। और उन्होंने नीतीश कुमार को जब कर्नाटक मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं, तो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के भी कहा है कि वहाँ पर कोई विपक्षी एकता की बात नहीं हो रही है, वहाँ पर कई ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो नहीं गए हैं, तो ऐसे में विपक्षी एकता की बात नहीं देखी जा सकती, वो शपथ ग्रहण समारोह में गए हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही, और भी हमारी अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंसाइडर लाइव। धन्यवाद।